कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर आपको दे दें, कल कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल विधिवत शुभारंभ करेंगे, माफ कीजिएगा, और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। 22 दिसंबर को पुरुषोत्तमपुर बाग में संत सम्मेलन होगा। 23 दिसंबर को गीता जयंती के दिन दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कल कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा और साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। तो 22 दिसंबर को पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन किया जाएगा। 23 दिसंबर को गीता जयंती के दिन दीपोत्सव का भी आयोजन होगा। विनोद कुंगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल विधिवत शुभारंभ करेंगे और हरियाणा के सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं गीता महोत्सव में, क्या कुछ ताजा जानकारी इसको लेकर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2023 की वैसे तो क्राफ्ट मेला और संत मेला के हिसाब से तो 7 दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है, परंतु विधिवत रूप से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री कल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार का शुभारंभ करेंगे। वो गीता सेमिनार के शुभारंभ के उपरांत उप मुख्यमंत्री ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में जो हमारे इस बार गीता जयंती के पार्टनर है आसाम पवेलियन और हरियाणा पवेलियन का शुभारंभ करेंगे और उसके साथ ही वो शाम को जो गीता आरती होती है महा आरती होती है उसमें भी शामिल होंगे। जी बेहद शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कल कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ होगा। हालांकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन कल विधिवत रूप से इसका शुभारंभ किया जाएगा।